हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम समझेंगे कैपो फाइबर के बारे में। बराबर, कैपो फाइबर सेलुलोजिक फाइबर रहता है, वो कॉटन की तरह मिलता है और ये नेचुरल फाइबर है। तो हम शुरू करते हैं। इसके मैंने थोड़े से पॉइंट कलेक्ट किए, उसमें से हम कैपो फाइबर के बारे में समझेंगे। बराबर, कैपो फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड हेयर ऑफ द कैपो ट्री। बराबर, ऐसे मिलता है कैपोक ट्री में से। क्या मिलता है हमको? टैपोक फाइबर। ये भी कौन सा है? एक टाइप का सीड फाइबर है, कॉटन जैसा। कॉटन भी सीड फाइबर है और ये कैपोक भी क्या है? सीड फाइबर है। बराबर, तो कैपोक फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड हेयर ऑफ द कैपोक ट्री। बराबर, इसे कैपोक ट्री में से हमको क्या मिलता है? कैपोक फाइबर। कैपोक फाइबर इज नेचुरल फाइबर। जो कैपोक फाइबर है वो कैसा है? नेचुरल फाइबर है। कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। बराबर, कैपोक फाइबर इज सेलुलोजिक फाइबर। बराबर, ये किससे मिलता है आपको? प्लांट से मिलता है। बराबर, ट्री से मिलता है। तो बेसिकली कैपोक फाइबर इज कैसा है? सेलुलोजिक फाइबर है। कैसा है? सेलुलोजिक फाइबर। अब हम चलते आगे की। कन्वेंशनली द कैपोक फाइबर इज यूज एज द स्टफिंग फॉर पिलोस बैंडिंग बेडिंग। बराबर जी, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत किया है, यहाँ डबल डी आएगा। बेडिंग एंड सम सॉफ्ट टॉय। बराबर, जो कन्वेंशनली कैपोक फाइबर का यूज किस में किया जाता था? स्टफिंग फॉर पिलो में किया जाता था। बराबर है, बेडिंग में जो आप सोते हैं उसके लिए में किया जाता, और सम सॉफ्ट टॉय, आपको जो सॉफ्ट टॉय बनाना है, बराबर, उसके लिए उसमें क्या यूज होता था? कैपोक फाइबर यूज होता था। बराबर, ये यूज था। कैपोक फाइबर इज ऑल्सो यूटिलाइज एज अ इंसुलेशन मटेरियल अगेंस्ट द साउंड एंड द हीट। जो कैपोक फाइबर है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता था? तो इंसुलेशन मटेरियल। बराबर, इंसुलेशन मटेरियल कैसा था? अगेंस्ट द साउंड। बराबर, अगर आप में साउंड को रोकने की क्षमता किसमें है? कैपोक फाइबर में। और हीट, हीट से आपको बचना है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको किसमें मिलेगी? कैपोक फाइबर में मिल जाएगी। तो बेसिकली ये कैपोक फाइबर का यूटिलाइजेशन था अगेंस्ट द साउंड एंड हीट। बराबर, आवाज और गर्मी से वो इंसुलेटर मटेरियल तरीके यूज होता है। अब हम चलते आगे की ओर। बराबर, ड्यू टू बेटर वॉर्म रिटेंशन प्रॉपर्टी। क्या है? बेटर वॉर्म रिटेंशन। क्या वॉर्म जो गर्मी को है वो क्या कहता है? रिटेन कर देता है। बराबर, तो ड्यू टू द बेटर वॉर्म रिटेंशन प्रॉपर्टी कैपोक फाइबर कैन बी ब्लेंड विद द अदर फाइबर टू अचीव द रिक्वायर्ड एप्रल टेक्सचर। अब हम समझ लो कि उसकी क्या है, वो गर्मी को क्या करता है? रिटेन कर देता है। बराबर, तो कैपोक फाइबर को हम क्या करेंगे? दूसरे फाइबर के साथ क्या करेंगे? ब्लेंड करके बनाएंगे, जो एप्रल टेक्सटाइल मटेरियल में यूज हो सकेगा। बराबर, तो बेसिकली कैपोक फाइबर को क्या दूसरे फाइबर का ब्लेंड करके हम क्या बनाएंगे? एप्रल टेक्सटाइल बनाएंगे। बराबर, हम चलते आगे। कैपोक फाइबर कंटेन द वैक्स लेयर ऑन इट्स सरफेस विच एफोर्ड्स दिस फाइबर टू शो द एक्सलेंट हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप क्या करते हो, जो कैपोक फाइबर है उसमें आप गम लगा देते हो तो वो क्या देगा? एक्सीलेंट हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक देगा। क्या देगा? एक्सीलेंट हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक देगा। बराबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। कैपोक फाइबर हैज रिसीव मच अटेंशन इन रिसेंट ईयर एज द ऑयल एब्जॉर्बिंग मटीरियल। जो कैपोक फाइबर है अभी रिसेंट ईयर में वो किस में ज़्यादातर यूज़ होता है? तो ऑयल एब्जॉर्बिंग मटेरियल में ये कैपोक फाइबर ज़्यादातर यूज़ होता है। बराबर, तो ये थी आपको कैपोक बारे में आपको जानकारी दी थी। बराबर, तो बेसिकली हम एक बार क्विकली वो देख लेते हैं कि क्या है कैपोक फाइबर, कहाँ से मिलता है। तो हमें मिलता है कैपोक ट्री में से मिलता है। कैपोक फाइबर कैसा फाइबर है? नेचुरल फाइबर है। कैपोक फाइबर क्या है? तो सेलुलोजिक फाइबर है। कन्वेंशनली वो कैपोक फाइबर किस में यूज होता था? स्टफिंग फॉर पिलो, बेडिंग में यूज होता, और सॉफ्ट टॉय बनाने में यूज होता था। बराबर,
कैपोक फाइबर यूटिलाइज होता है इंसुलेशन अगेंस्ट द साउंड एंड हीट में यूज किया जाता है, बराबर उसके खिलाफ जो आवाज और गर्मी में उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज ए इंसुलेशन ड्यू टू द बैटर, उसकी वार्म रिटेंशन प्रॉपर्टी सही है तो उसके लिए वो क्या करता है, कैपोक फाइबर का दूसरे फाइबर में ब्लेंड करके हम उसको अप्रैल टेक्सटाइल बना सकते हैं, बराबर कैपोक फाइबर जो उसके ऊपर आपने वेयर्स कर दिया तो वो क्या मिलेगा आपको, उसमें से एक्सीलेंट हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी और बेसिकली इन दिस ईयर कैपोक फाइबर मोस्टली क्या किस में यूज होता है, ऑयल एब्जॉर्बिंग मटेरियल की तरह में वो यूज होता है, बराबर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूले, थैंक यू।